हाय गाइस, तो क्या है बात है कि हमको बहुत बढ़िया आइडिया आया रील बनाने का, एक तो उसकी तैयारी चल रही है। तो मैंने दो गाना तो मैं इस पे लगा रहा हूँ लैपटॉप पे, और ज़रा मुझे अच्छा लग रहा है आजकल रील वगैरह बनाना। आपने ये रील तो मेरी देख ही ली होगी इंस्टा पर, और अगर इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हो तो लिंक आ रही है, जाओ उधर फॉलो करो। मैं लगा रहा हूँ अभी गाना अपना, ना छेड़ो हमें वाला यूट्यूब पर, कि सिंकिंग अच्छी रहेगी अगर मैं मोबाइल से इधर करूँगा और इधर सुनते जाऊँगा तो क्योंकि पूरी एडिटिंग उसकी अपन ही करेंगे। हमने गाना इधर लगा लिया है और बस शुरू करते हैं। छेड़ो हमें, हम सताए हुए नहीं। One hour later. हम गए थे ये हमारा पार्सल लेने। हाँ दोस्तों, तो अपना माइक ये वाला आ गया है, तो अब इसको यूज़ करेंगे। पार्सल में ये आया था, ये है एक माइक। तो हमने ये माइक इसलिए मंगाया है क्योंकि साउंड में बड़ी दिक्कत आ रही थी। किस प्रकार से कि हम कहीं बाइक पे जाते थे तो वो खर खर आवाज़ आना, और हम आपस में बात कर रहे हैं तो चार जनों की आवाज़ मिक्स होके आना। तो ऐसी छोटी मोटी बारीकियाँ अब यह माइक हमारी सुधार देगा। एक अलग ही इसमें आवाज़ आती है, मैंने प्रॉपर आती है, इधर उधर की हवा की आवाज़ नहीं आएगी आपको, फालतू का जो ट्रैफिक है बैकग्राउंड नॉइज़ है वो नहीं आएगी। तो भैया अब हमारा टाइम आ गया था कि हम ये इन चीज़ को अवॉइड करें, बाहर की बैकग्राउंड नॉइज़ वगैरह, और एक आवाज़ को अच्छी क्वालिटी में दें। तो इसीलिए ये माइक हमारा आया है, और हमको बहुत सारी वीडियोस में जो कि बहुत बढ़िया हमारी बातचीत हुई है और वो अच्छे से कैप्चर नहीं हुई है, उसमें मैंने आपको बोला है कि आप ईयरफोन्स लगा के देखिए तो आप समझ जाएंगे। जो भी अभी के पहले के व्लॉग्स हैं, अगर कुछ बात उनमें आपको समझ में नहीं आ गई तो उसके लिए बहुत सॉरी भैया, लेकिन आप ईयरफोन लगाएंगे ना उसमें तो अच्छे से समझ पाएंगे। तो अब वो वाली भी चीज़ हम घटा दिए, हम माइक इसी ले लिया है कि वो चीज़ आपको दिक्कत ना दे, क्योंकि व्यक्ति वीडियो देख रहा है उसके लिए अब ईयरफोन थोड़ी ढूंढेगा, कोई कोई ढूंढ भी सकता है। जब व्लॉगिंग में लगाते हैं अपन वो ऊपर ये नहीं लगेगा, इनबिल्ट रहेगा ये। तो इसी में अभी मैं उलझा हुआ हूँ कि भैया इधर वायर लगाएं या इधर क्या करना है, पर अब से क्या है कि अपनी क्वालिटी सुधर गई है तो अपना माइक आ गया। बड़े दिनों से इसका इंतज़ार था। और भी एक और चीज़ आने वाली है, देखो कल परसों में आ जाएगी वो। तो हम क्या अपग्रेड कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, जितना हमको आइडिया हो रहा है उतना उतना हम करते जा रहे हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो आगे की पसंद आए, और हमारे आगे के कुछ प्लान सही सही जो हम डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि वो अभी एक बार पूरा फाइनल हो जाए प्रॉपर, उसके बाद में उसको डिस्कस करूँगा। तो बस हमारी अब जर्नी बहुत सीरियसनेस से शुरू हो चुकी है, तो ज़रा अब आपका लव और सपोर्ट बताएं। और घर में अगर आप देखते हैं कोई व्लॉगिंग, क्योंकि व्लॉगिंग है सबके पार्ट, सबकी लाइफ के अपने अपने पार्ट हैं, एस्पेक्ट हैं, तो देख सकते हैं। बात ये होती है सबकी अपनी अपनी लाइफ है, तो सबकी अलग अलग कहानी है, तो हर किसी को अलग अलग कहानी सुनने का तो पसंद रहता ही है। तो आप बता सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जो कि इंटरेस्टेड हैं, जो कि व्लॉगर्स को देख रहे हैं और वो भी उस जर्नी का पार्ट बनने जाते हैं, मतलब जो कम सब्सक्राइबर से ऊंचाई की ओर जा रहे हैं उसका पार्ट बनना चाह रहे हैं, तो उनको बोलो हमारे ये सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस देखें और हमारी गलतियां बताएं, हमको हमारी अच्छाइयां बताएं और हमको आइडियाज़ दें, हमको सजेशंस दें। बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं उनके लिए, और हमारा एक पार्ट बने जर्नी का, और अपडेट तो हम कर ही रहे हैं। तो जो भी होगा साथ साथ में होगा, मैं कुछ अपनी डेली लाइफ में जो भी चेंजेस आते हैं उसकी वीडियोस बनाता हूँ, कहीं जाता हूँ वहाँ की बनाता हूँ, वही मैंने एक व्लॉगिंग ही हो गया वो तो पूरा ही। तो हम व्लॉग बनाते हैं आप, और हमारी जर्नी इसी प्रकार चलती रहेगी। अब
और ये टाइम था अब अपग्रेड का, तो हमने थोड़ा सा अपग्रेड करा है। तो ये माइक था, अब एक और चीज़ आने वाली है कल परसों में, वो मैं बता ही दूंगा। इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से अपग्रेड के साथ, साउंड की क्वालिटी के साथ, और आने वाले कुछ अपग्रेड की बात करेंगे हम बाद में। बाय बाय।